उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी पार्टी सुभासभा के विधायक बेदी राम पिछले दिनों चर्चा में थे। उनके बारे में एक वर्ग के लोगों ने एजेंडा बनाया कि बेदी राम पेपर लीक मामले में आरोपी हैं और एसटीएफ उनसे पूछताछ कर रही है। हॉर्नबिल टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में विधायक बेदी राम ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दलित होने के कारण एक वर्ग के लोगों ने उनके खिलाफ गलत प्रचार किया है। साथ ही विधायक बेदी राम ने पेपर लीक मामले में बन रहे कानून का स्वागत करते हुए कहा कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आपको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, वायरल हुए ऑडियो, वायरल हुए और तमाम तरह के बयान हुए, मीडिया में भी तमाम खबरें लगी, क्या कहना चाहेंगे जो ऑडियो जो वायरल हुआ था? देखिए, मैं दलित विधायक हूँ। दलित विधायक होने के कारण जो मीडिया के, सभी मीडिया के नहीं, केवल एक मीडिया वाले हैं, उन्होंने यहाँ तक मुझे बदनाम किया, मेरे मान सम्मान से खिलवाड़ किए, मेरे भविष्य से खिलवाड़ किए। मैं एक विधायक हूँ और उन्होंने, उनको किसने बताया, किस एजेंसी ने उनको सूचना दिया कि मैं गिरफ्तार हूँ? और बिना पूछे ताछे उन्होंने 2 दिन चलाया कि बेदी राम नीट पेपर मामले में एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार के अलावा उन्होंने ये कह दिया कि एसटीएफ ने उनके ऊपर सिकंजा कसा है और पूछताछ चली है। और इस तरह से एक दलित विधायक होने के नाते मुझे बदनाम किया गया और मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है इसलिए। और दलित कुछ लोगों की सोच इस तरह की होती है, अब सोच को मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। दलित होना अभिशाप है? मैं तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं दलित समाज में पैदा हुआ हूँ, कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन दलित होने की सजा जो मिल रही है आपको? हाँ, दलित होने की, कुछ लोगों को मैंने मानसिकता बताया ना, क्या है बिना बिना साक्ष्य के, कि बिना सूचना के किसी को, जिस चीज का, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो जांच हो रही है और उसकी जांच हो चुकी, उसको सुप्रीम कोर्ट में सुपुर्द भी कर दिया गया और उसमें दलित होने के नाते ये चलाया गया। दलित होना, आप कह रहे हैं कि मेरी गलती यही है कि मैं दलित समाज में पैदा हूँ, वो उनका, उनकी सोच, लेकिन मुझे, मैं दलित समाज में पैदा हूँ, मुझे इसका गर्व है। जिस तरह से अभी एक विधेयक पास हुआ कि अगर परीक्षा जो नकल कराता है उसको लेकर कड़ा सजा का प्रावधान दिया गया, इस फैसले का कितना स्वागत करते हैं? मैं इस बिल का बहुत स्वागत करता हूँ। जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, उसके वो अब करने वाले अब डरेंगे। जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं अब डरेंगे, और ये बहुत अच्छा बिल है और इसका मैं स्वागत करता हूँ, ये जरूरी था। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि दलित होने की सजा मिली, लेकिन दलित होना भी आपके लिए गर्व है, लेकिन आपके पीछे जो कॉन्सपिरेसी की गई, आपने बताया आपकी मिसेज भी जनप्रतिनिधि हैं, तो सब कुछ आपको पता है, तो ऐसे के लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आमतौर पर यही होता है कि विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, उनके खिलाफ कोई दुष्प्रचार करता है तो उनके खिलाफ IT एक्ट के तहत मुकदमा किया जाता है और भी धाराओं के तहत मुकदमा दिया, लेकिन अभी तक आप खामोश गए। आप तो इतने नहीं, वो मेरे घर में भी घुस गए थे, उसके लिए सोचा जाएगा, अभी तो कुछ किए नहीं है, लेकिन आगे सोचेंगे। ठीक है, आप सुभाषपा विधायक बेदी राम जी हैं, जिनका साफ कहना है जो जांच चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट में की निगरानी में चल रही है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है उनको जो सजा, जो अब तक उनका, उनके साथ जो दुष्प्रचार हुआ है उनका, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है दलित होने की वजह है, लेकिन इन्हें अपने आप में गर्व है कि वो दलित हैं। वीडियो जर्नी विजय के साथ अनुप चौधरी, हॉर्नबिल TV, लखनऊ।